चावल पहले ही जला दिए गए हैं और पता नहीं बाकी खाने लायक है या नहीं। रुको दाल चखती हूँ। माँ, क्या क्या हुआ? क्या हुआ? बिल्कुल बेकार बनी है। क्या करते हो तुम लोग? क्यों तुम लोग इन चक्रों में पड़ते हो? जो काम आता नहीं वो क्यों करते हो? माँ, इसे तो पापा ने बनाया है ना। ये तुम्हारे पापा ने बनाई है? अजी सुनते हैं, कहाँ है? जरा यहाँ आइए। ताऊ जी आइए ना। माँ देखिए, इस तरह से सबको इकट्ठा मत कीजिए प्लीज। हमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है। क्या बात है? मैं बताती हूँ ना, क्या किया आपने इन सब के साथ मिलकर? हाँ, ये कैसा खाना बनाया है? दाल में नमक नहीं है, चावल जला दिए, क्या खाएंगे हम? अब तो क्या हुआ, मटन भी बनाया है। मटन बनाया है? देखो तो। कैसा बना है चाची जी? क्या हुआ, ये कैसा है? दीदी नहीं खा सकते। क्यों? सारा नमक इसी में डाल दिया है दीदी, नहीं खाया जाएगा। अच्छा मुझे एक बात समझाओ तुम लोग, तुम लोगों को खाना बनाने की क्या सूझी? खाना बनाना तक नहीं आता, जिंदगी में कभी नहीं बनाया तो फिर खाना बनाया क्यों? हे भगवान, क्या किया तुम लोगों ने? नहीं मतलब हमारा मकसद तो लेकिन अच्छा ही था ना। हाँ बिल्कुल सही, आप हमारी बेइज्जती नहीं कर सकते। ओ अच्छा, वो तो ठीक है, लेकिन अब हम लोग खाएंगे क्या? हाँ आप लोगों से ना कुछ नहीं होने वाला। बेकार के झंझटों में क्यों पड़ते हैं? ऐसा होता है क्या? बिल्ली थोड़ी ना हल चला सकती है। ये क्या? आप लोग हमारी इंसल्ट कर रहे हैं। पापा पापा आप ही देखिए ना, ये लोग हमारी बेइज्जती कर रहे हैं। इस तरह हमारी इंसल्ट करना, हमारा मजाक उड़ाना बहुत गलत है। नहीं नहीं नहीं, हम अपनी बेइज्जती बर्दाश्त नहीं करेंगे। नहीं करेंगे बर्दाश्त, हम खाएंगे क्या? कोई मुझे बताएगा कि आखिर हम लंच में हम खाएंगे क्या? वो अब मिठाई, मिठाई तो है ना, मिठाई खा लो। मिठाई खाएं, मिठाई से पेट भर जाएगा। यही लोग जमुना का ध्यान रखने वाले थे ना। अब वो जमुना, सुबह का नाश्ता अच्छा था, बताओ ना इन्हें। पापा सुबह के नाश्ते में था ही क्या ऐसा? हाँ सिंपल सैंडविच था, केले थे और जूस था। उसमें क्या बताऊँ मैं, केले और जूस तो बनाना भी नहीं पड़ता। और आप जो बना रहे थे वो ऑमलेट, वो भी जला दिया था। लेकिन अभी के खाने में तो किसी में नमक ज्यादा है,
किसी में नमक है ही नहीं, चावल पहले ही जला दिए, क्या किया ये सब भैया? नहीं मतलब बात ऐसी है कि मैं जानता तो सब हूँ, लेकिन वो थोड़ी हड़बड़ी में गड़बड़ी हो गई है। पापा मैं कह रहा हूँ कि खाना ऑनलाइन ऑर्डर कर देते ना। ऑनलाइन करेंगे मतलब? मुझे मुझे भूख लग रही है, सच में जोर की भूख लगी है। लेकिन अब क्या खाएं हम? अच्छा छाया दीदी वो गीले चावल का है? है बस वो दे दीजिए मुझे। जमुना तुम गीले चावल खाओगी? अरे अरे रुको तुम वो मत खाओ। नहीं 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 जमुना भाभी आप गीले चावल बिल्कुल नहीं खाएंगे, अब बहुत अजीब लगते हैं, बिल्कुल नहीं खाएंगी आप वो। अरे एक बार खाकर तो देखो ना की। पर मैंने तो कभी खाए ही नहीं। अरे तो ठीक है नहीं खाया तो आज खा लो, गीले चावल बैगन का भरता हरी मिर्च और कच्चे प्याज मजा आएगा। ये हाँ मैंने एक बार खाए हैं गीले चावल, मस्त लगते हैं। मैंने तो ये कभी नहीं खाए। मैंने भी नहीं खाए। मैंने एक बार अपने मायके में खाया था। नहीं नहीं प्लीज 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 इसे मत खाओ, कोई मत खाओ गीले चावल। पापा क्या किया आपने, क्या खाना पकाया है? और वे तुम भी हद करते हो, तुम सच में यूजलेस हो, तुमसे ना कभी कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा तुमसे, बस बड़ी बड़ी बातें, ये कर देंगे वो कर देंगे। गीत देखो ऐसे ना इंसल्ट मत करो, ईगो हर्ट होता है, हम लोग भी ना देखना कुकिंग सीख के दिखा देंगे। तुम सुनो कुकिंग वुकिंग बाद में सीखना, अभी हम क्या खाएं वो बताओ। अब और कोई उपाय नहीं है, छाया दीदी ने कहा ना कि गीले चावल है तो वही खाएंगे। ये लो ले आई मैं। बस, बस बस अरे इसके साथ आप वो बनाएंगे ना बैगन का भरता हरी मिर्च डालकर, और उसके साथ आप वो भी बना सकती है आलू भुजिया। आलू भुजिया बना दीजिए हरी मिर्च और प्याज के साथ, आज तो खाने में मजा ही आ जाएगा, बहुत दिनों बाद ये खाऊंगी। पापा आज तो आपको भी गीले चावल खाने होंगे। नहीं 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 मैं ये सब चीजें नहीं खाता और आज भी नहीं खा पाऊंगा। क्यों? अगर आपकी बहू खा सकती तो आप क्यों नहीं? नहीं नहीं वो दरअसल मैं ये तो मैं बस इसलिए नहीं खा सकता क्योंकि पापा गीले चावल तो खाने ही होंगे। मैं नहीं खाऊंगा। बड़े भैया भैया एक बार खा कर तो देखिए। नहीं मुझसे खाने की उम्मीद मत करो, पहले भी चावल बच जाते थे तो घर की औरतें ही उसे खाया करती थी। घर की औरतें खाया करती थी मतलब आपको भी खाना होगा? हाँ बिल्कुल। हाँ हाँ और क्या, हम मर्द किसी से कम थोड़ी हैं। पापा खा लीजिए। चलिए मुंह खोलिए मुंह खोलिए पापा मुंह खोलिए। तो कैसे लगे? बुरे नहीं है। थैंक यू थैंक यू। भगवान करे मेरा पूरा परिवार हमेशा इसी तरह हंसता मुस्कुराता रहे, इसे किसी की नजर ना लगे। गीले चावल खिला रही है, बहू की खुशी के लिए सब मिलकर गीले चावल खा रहे हैं, खुद केदार राय भी प्याज और मिर्च के साथ गीले चावल खा रहे हैं। सोचो। यकीन ही नहीं हो रहा मुझे, यकीन नहीं हो रहा। हाँ
अब जिस घर की बहू ढोली की बेटी हो उस घर के मालिक को तो बासी चावल ही खाने पड़ेंगे। और क्या खाएंगे, कच्चे प्याज और मिर्च के साथ बासी चावल ही खा सकते हैं ये। जाने दीजिए ये सब, जो काम सोचा है चलिए उसे खत्म करते हैं। उसके बाद देखिएगा, केदार राय खुद इस ढोली की बेटी को घर से बाहर निकाल फेंकेंगे। नहीं नहीं, ये किस तरह की जिद है? ये सब जो हो रहा है बिल्कुल ठीक नहीं हो रहा है, बिल्कुल ठीक नहीं। क्या ठीक है और क्या ठीक नहीं है ये तय करने वाले तुम कौन और मैं कौन? समय सब कुछ अपने आप ठीक कर देगा। पर एक बात समझ नहीं रहे केदार जी, इस प्रतियोगिता में कोई भी हारे या कोई भी जीते, वो हार भी आपकी होगी और जीत भी आपकी। नहीं, गलत कहा तुमने। जमुना जीतेगी तो मैं जीतूंगा, और जमुना अगर हारी तो फिर वो हार मेरी होगी। मेरी आंखों में देखकर ये बात कहिए, ये सब दिल से कह रहे हैं आप? दिल से कह रहे हैं? हाँ, मैं दिल से कह रहा हूँ, पूरे दिल से कह रहा हूँ मैं। और इस बात पर अब मैं तुमसे कोई बहस नहीं करना चाहता। मुंह फेर लेने से क्या इस तरह सच को बदला जा सकता है? सच को झूठ में बदला नहीं जा सकता है। कभी ना कभी तो हमें इन सब का सामना करना ही था। आज वो दिन आ गया है। नहीं, सच के नाम पर असल में सच तो कुछ है ही नहीं, और मैं तुम्हारे साथ इस बारे में कोई बात नहीं करना चाहता। जमुना को जीतना ही होगा, उसे ये कठिन तपस्या करनी ही होगी, मेहनत करनी होगी उसे। इतने दिनों में केदार राय ने उससे सिर्फ एक ही चीज मांगी है, वो है उसकी जीत। अगर इतनी सी चीज वो मुझे नहीं दे सकी तो मैं ये मान लूंगा कि जमुना केदार राय की बहू बनने लायक नहीं है। क्यों? इस जीत में ऐसा क्या है कि खुद केदार राय से लेकर इतने व्याकुल हो गए हैं? माँ आप लोगों का पानी रख दिया है। पापा आप चुप क्यों हैं? मेरी बात का जवाब नहीं दिया? बहुत रात हो गई है, सोने जाओ जमुना, क्योंकि कल तुम्हारा इस दुनिया में एक नया जन्म होगा। एक ढोली परिवार की लड़की पर करोड़ों लोगों की नजरें टिकी होंगी। सारी दुनिया की उम्मीद भरी नजरें तुम्हारी ओर देख रही होंगी। उन सब की उम्मीदों को टूटने मत देना, टूटने मत देना उन्हें। अपने अंदर की जीत की भूख को जिंदा रखना। माँ, माँ, पापा क्या कह रहे हैं मुझे समझ में नहीं आ रहा है। माँ, ये जीत की भूख मेरी है या फिर मेरे ससुर जी की? जमुना। हाँ माँ, हाँ माँ, मैं देख रही हूँ कि मेरी जीत के लिए मुझसे ज्यादा पागल तो पापा हो गए हैं। वो इसलिए क्योंकि वो तुझसे प्यार करते हैं, वो तुम्हें अपना समझते हैं तभी। नहीं माँ, किसी को प्यार करने से उसके जीतने की कामना करते हैं, लेकिन मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि ये जीत ये इसलिए मांग रहे हैं क्योंकि ये किसी से नफरत करते हैं। जमुना, मैंने केवल तुम्हारी जीत चाही है। तुम जीतोगी, और जीते बिना इस घर में मत लौटना, इस बात को दिमाग में रखना। रात बहुत हो गई है, अब जाकर सो जाओ। तान्या कौन है पापा? जमुना, जमुना, तुम्हारे पापा ने कहा ना कि जाके सो जाओ, बहुत रात हो गई है, चलो जाओ जाके सो जाओ। मैं जानना चाहती हूँ कि तातोई कौन है, मेरा जानना जरूरी नहीं है। नहीं, और कुछ जानने की जरूरत नहीं है तुम्हें, इतना सब कुछ जानने की जरूरत नहीं है।
तुम्हारी इतनी जिज्ञासा मैं नहीं मिटा पाऊंगी। जाओ सोने जाओ, जाओ सो जाओ। मैंने कह दिया ना मैं तुम्हारे साथ उस कमरे में नहीं सोऊंगी। मुझे नहीं रहना है, तुम मेरे साथ जबरदस्ती मत करो। मैंने कहा ना नहीं सोऊंगी। अरे ऐसे जिद नहीं करते, मेरी बात सुनो। मैं आज पापा के रूम में सोऊंगी बस। अरे क्या हुआ है, आखिर क्या बात है की माँ? ये ना ये कह रही है कि आज आप लोगों के साथ सोएगी। क्या? हाँ तो ठीक है, इसमें परेशानी क्या है? इतने दिन अपनी माँ और पापा के साथ सोई नहीं है, इतने दिनों से इनका प्यार नहीं मिला, इतने दिनों बाद घर आई है, तो सोने दो ना, इसमें प्रॉब्लम क्या है? सखी देखो तुम ना बिल्कुल बेईमानी करो मत, बता रहा हूँ। क्या मैंने क्या बेईमानी की? तुम्हें ना सब कुछ पता है। अरे गीत तुम्हें तो पता है ना कि मुझे रात को दवा चाहिए होती है, तुम नहीं रहोगी तो कौन देगा? तुम चुप रहोगे जरा? तुम्हारे साथ आज रात छाया दीदी रहेंगी। हाँ? कौन रहेगा? ओ सॉरी छाया दीदी तुम्हें तुम्हारी सारी मेडिसिंस दे देगी, जाओ ना अब तुम। ठीक है फिर, मेडिसिन छाया दीदी दे देंगी। तो मैं जा रहा हूँ। मैं सच में जा रहा हूँ। रुको रुको रुको, क्या बच्चों वाली हरकतें हैं गीत। जाओ वेद के साथ जाओ, जाओ। मैं आज रात इसी कमरे में रहूंगी। अरे, मेरी बात तो सुनो। आज मैं इसी कमरे में आप दोनों के साथ सोऊंगी, इतने दिनों से नहीं सोई। हाँ तो ठीक है ना, तुम मेरे साथ सो जाओ, इसमें दिक्कत क्या है? ये बात मेरी समझ में नहीं आ रही। आप भी ना। अरे लेकिन इसमें देखा जमुना, अपने ससुर जी की बुद्धि को देख लो, कैसी बातें करते हैं, बिल्कुल दिमाग नहीं, कुछ नहीं समझते। माँ धीरे बोलिए, उन्होंने सुन लिया तो फिर छोटी सी बात का बतंगड़ बना देंगे। अरे कैसे कुछ ना कहूँ, लड़की की नई नई शादी हुई है, वो अपने पति के साथ रहेगी या फिर हम दोनों के साथ, कुछ समझते नहीं, हर पार करती है। सो हमारे साथ सो जाओ, बुद्धि नहीं है। हाँ सुन गीत, तू आज अपनी माँ और मेरे साथ सोएगी। ठीक है पापा। अच्छा पापा एक बात पूछो। हाँ? आज बस माँ बेटी और पिता ही क्यों साथ में सोएंगे? मैं तो कहती हूँ वेद को भी साथ में सुला लीजिए। वेद? अरे पर अब दामाद कैसे यहाँ पर सो सकता है? ऐसा नहीं हो सकता। अरे क्यों, ऐसा क्यों नहीं हो सकता है? इतना बड़ा कमरा है, हम चारों आराम से एडजस्ट करके सो सकते हैं। नहीं, हाँ। माँ वो वेद आज मेरे कमरे में जाकर सो जाएगा। ठीक है फिर, तो फिर तुम नहीं जाओगी ना? नहीं। ठीक है, क्या कर सकते हैं फिर, मैं अकेले सो जाऊंगा। जाओ। गीत मैं चलती हूँ। हाँ गुड नाइट। गुड नाइट माँ, मैं चलती हूँ। ए सकी मैं कह रहा था तुम थोड़ी मेरी हेल्प करो ना। मैं क्या कर सकती हूँ वेद, बेटी इतने दिनों बाद आई है तो लाड़ प्यार तो करेंगे ना, तो फिर इसमें मैं क्या बोलूँ, मैं कुछ नहीं बोल सकती। नहीं वेद, मैं इसमें कुछ नहीं कर पाऊंगी, सॉरी। अरे सखी, ए सखी सुनो तो सुनो। पापा मुझे नींद आ रही है, मैं अब सो रही हूँ। हाँ हाँ ठीक है, आराम से सो जाओ, लेकिन जरा संभल कर चला करो बेटा, हाथ में चोट आ गई ना, कितनी तकलीफ हो रही होगी। क्या करूँ मैं पापा, ऊपर से आपका ये दामाद बेड पर हाथ वाथ चलाता रहता है, ठीक से सो नहीं पाती हूँ। एक तो वैसे ही हाथ में दर्द है, ऊपर से और भी चोट पहुँचाता है। ठीक है तुम यहीं पर सो जाओ, जाओ। हाँ। जाओ ध्यान से आराम से, देखना कहीं लग ना जाए। ये अब क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं आप बताएंगे जरा, आपके पास बिल्कुल भी दिमाग नहीं है क्या? क्यों मतलब आपको समझ नहीं आ रहा? तेरे की आपका ना कुछ नहीं हो सकता है, पता नहीं भगवान ने किस इंसान के पल्ले बांध दिया है मुझे। भैया आप आओ इधर आओ, मेरी बात सुनो। अरे पर वेद हुआ क्या है? क्या हुआ है मतलब, क्या बताऊं आपको, मेरी हालत तो बिल्कुल ना मजबूर असहाय पति जैसी हो गई है। क्यों? और क्यों, आपकी बहन की वजह से। हाँ। ससुर जी के कमरे में सो रही है। ओ, हाँ? ऐसा क्या? हाँ देखो तो, समझ ही नहीं रही मुझे, यहाँ अकेला छोड़कर मम्मी पापा के कमरे में घुस गई। अच्छा ठीक है, तुम चिंता मत करो, तुम मुझे अपना फोन दो। क्यों? अरे फोन दो ना। हाँ दो।
फोन वाइब्रेट हो रहा है क्या? हाँ? हेलो, चलो। हेलो गीत, गीत तुम मेरे पास चली आओ ना प्लीज, मैं तुम्हें बहुत मिस कर रहा हूँ। यू नो ना आई लव यू। सो व्हाट, तुम सुनो, आज मैं पापा मम्मी के साथ ही सोऊंगी, ठीक है? अब रखो। नहीं नहीं ऐसे मत कहो प्लीज। गीत सुनो, देखो पति पत्नी के बीच तो झगड़े होते ही रहते हैं, तुम तो जानती हो, उसे क्या कहते हैं, अंडरस्टैंडिंग से काम लेना चाहिए ना। मैं आज मम्मी पापा के साथ ही सोऊंगी, समझे तुम? अब रखो फोन। गीत हेलो, क्या हुआ, क्या कहा? नहीं मानी वो। क्या नहीं मानी वो? सुनो वेद, तुम ना उसे दोबारा फोन करो, तुरंत करो, मैं कह रहा हूँ ना तुमसे। और फोन करके लैला मजनू, रोमियो जूलियट, शिरीन फरहाद से लेकर अब तक जितने भी डायलॉग तुमने सुने ना, जितने भी तुम्हें याद है, उसे ना तुम सब बोल दो। तुम मेरी बात मानो, मैं कह रहा हूँ ना, धर्मेंद्र, हेमा मालिनी, हाँ, अमिताभ, रेखा, शाहरुख, काजल, जितने भी तुम्हें पता है ना सब बोल दो, जिससे कि तुम्हारे प्यार की ताकत से वो यहाँ खींची चली आए। फोन करो, लगाओ फोन। हाँ ओ माँ सुनो। अरे मामा क्यों कर रही हो, सारा दिन घर के काम करके मैं थक जाती हूँ, अभी मुझे सोने दे बेटा, जा पापा के पास सो जा। माँ मुझे आपके पास भी तो सोना है। अच्छा ठीक है। रात को कौन फोन कर रहा है, जरा देखूं किसका फोन है। I love you. Baby, baby, I love you. I miss you so much. Please, please वापस आ जाओ ना। पप्पी। क्या हुआ है? अनु फोन पर कोई लड़का मुझे पप्पियां दे रहा है। ससुर जी ने फोन उठा लिया। मतलब तुमने अभी तक जितने भी दिए हैं वो सब तुमने अपने ससुर जी को दिए थे? नहीं पर इतनी रात को ऐसा कौन करता है, कौन इतनी रात को फोन पर ऐसे पप्पियां देता है? क्या हुआ है पापा? अरे एक लड़का मुझसे कह रहा है आई लव यू, आई मिस यू, मुझे क्यों मिस कर रहा है समझ में नहीं आ रहा। दोनों में इतना प्यार है कि कोई भी एक दूसरे के बिना नहीं रह सकता। हाँ वो तो मैं समझ गया, पर आई लव यू बोलने के बाद वो इतनी सारी पप्पियाँ क्यों दे रहा था? गीत के पापा, आप देखिए ना कौन था। अरे मैंने चश्मा थोड़ी पहन रखा है। तो चश्मा पहन कर देखिए। हाँ हाँ रुको देखता हूँ। इश्श, ये तो दामाद जी है। गीत चलो निकलो, चलो जाओ अपने पति के पास जाओ, चलो। अरे पर फोन लो अपना, इसका फोन इसे दे दीजिए। पापा प्लीज मैं यही रहूंगी ना। हमारा पति जो हमें सोने नहीं दे रहा है, ऐसी हरकतें करके हमारी नींद खराब होगी, चलो जाओ तुम इसी के पास जाओ। तुम्हारी वजह से ही हो रहा है, हम दोनों पति पत्नी सारी रात जाग के तुम्हारे ड्रामा देखते रहेंगे। चलो जाओ, जाओ अपने पति के पास, वहीं जाकर सो। अरे बाप रे, अब इस उम्र में सारी रात जाकर हम दोनों ये सुनेंगे? वेद क्या है? बैठे क्यों, उठो, ये क्या किया है तुमने? पापा क्या कह रहे हैं? अरे उठो ना बाबा, पापा क्या कह रहे हैं? फोन करके उनसे क्या कह दिया है तुमने? क्या करते रहते हो तुम? गीत बात ये थी कि वो असल में वो फोन तो मैं तुम्हें कर रहा था, लेकिन प्यार तुम्हें करने के बजाय सारा प्यार मैंने ना ससुर जी पे बरसा दिया। सही से नहीं होता, तुमने शर्मिंदा करके रख दिया मुझे। मेरी बात तो सुनो प्लीज। तुम हाथ मत लगाओ मुझे, जाओ यहाँ से। देखो ऐसे नाराज नहीं होते, चाहे 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 जो भी हो, अब चाहे भला हो या फिर बुरा हो, हूँ तो मैं तुम्हारा पति ही। I love तुम you. मेरे पास बिल्कुल नहीं आओगे, दूर रहो मुझसे तुम। जब तक तेरे साथ में चांद
चलना लूहा मेरे पास तुम रहो, जाने की बात ना करो, मेरे साथ तुम रहो, जाने की बात ना करो, ओ बूंद बूंद मैं जलना लूं, जब तक तेरे साथ में चांद तक मैं जलना लूं, हाँ मेरे पास तुम रहो, जाने की बात ना करो, मेरे साथ तुम रहो, जाने की बात ना करो, दीदी मैं कह रही थी इन साड़ियों को थोड़ा प्रेस कर दो ना, और इनकी मैचिंग ब्लाउज के कुछ ऑप्शंस भी इनके साथ ही रख दो। जरा रुकिए छोटी भाभी, ये कौन पहनने वाला है? क्यों, जमुना पहनेगी? इतना बड़ा कंपटीशन है, सज धज कर नहीं जाएगी? लेकिन मैंने तो सुना है कि जो लोग ये कॉम्पिटिशन के ऑर्गेनाइजर्स हैं वो ही ड्रेसेस भी देंगे, और इनॉग्रेशन वाले दिन वही सभी कंटेस्टेंट्स को तैयार भी करेंगे। हाँ वो तो भेजेंगे, पर बड़े भैया ने साफ साफ कह दिया कि जब यहाँ से जाए तो बिल्कुल राजरानी की तरह जाए। राजरानी? रियली? तो आप मुझसे क्यों कह रही हैं? खुद से नहीं कर सकती हैं क्या? कुछ ज्यादा ही हो रहा है। मैं गहने निकाल रही हूँ। ऐसा लग रहा है जैसे वो कोई राज्य जीतने जा रही हो। राज्य ही तो जीतने जा रही है, वो भी वाद्य यंत्र के माध्यम से, सुर के माध्यम से, और हमारे घर की बहू है वो। वी आर सो प्राउड ऑफ हर। हाँ वो तो समझ ही आ रहा है, सभी लोग उसके पीछे जैसे जी हुजूरी कर रहे हैं, उसे तो रसोई घर में घुसने नहीं दिया जा रहा, खाना तक नहीं बनवाया जा रहा, हर वक्त बस घर में तक धुमाधुम तक धुमाधुम। मुझे अब ये सब बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा, मेरा सर दर्द में फटता जा रहा है। माँ आप हर वक्त इतना खिटपिट मत कीजिए, तो आप और पापा दोनों एकदम लड़ाकू होते जा रहे हैं। ए पल्लवी, अभी घुमाकर एक जोर का थप्पड़ लगाऊंगा, तुम्हारे मम्मी पापा को सेल है। और नहीं तो क्या, घर पर सभी लोग कितने खुश हैं, और आप दोनों को देखिए कैसे मेंढक की तरह मुंह फुलाकर घूम रहे हैं। श्री, तुम्हें इतनी हंसी क्यों आ रही है? अब तुम मेंढक क्यों कह रही हो? ऐसे बोलो कि एक मेल मेंढक और एक फीमेल मेंढक है। अच्छा, बताती हूँ तुम्हें। रुको, मामा, मामा, अभी बताती हूँ। मामा, बुआ मार रही हैं। मार क्यों रही हो दीदी? इसने बिल्कुल सही कहा है। चलिए ना, हम सभी मिलकर इस मौके को सेलिब्रेट करें, खुशियाँ मनाएं, जमुना के अंदर और ज्यादा उत्साह भरें। हम सब मिलकर उसे टीवी में देखेंगे, कितनी खुशी होगी जब हमारी जमुना कॉम्पिटिशन जीतेगी। वो नहीं जीतेगी छोटी भाभी। क्यों? क्योंकि मुझे खबर मिली है कि उस कंपटीशन में उससे भी बड़ी एक गुणी कलाकार है, तभी वो नहीं जीत पाई।
बिल्कुल सही कहा, शेर के लिए सवा शेर। क्यों, कौन गुणी कलाकार, किसकी बात कर रही हैं? वो तो आप सभी देख ही लेंगे और उस दिन देखेंगे राय परिवार पूरी तरह से मिट्टी में मिल गया है। वो ऐसी ढोल बजाएगी ना, ऐसी ढोल बजाएगी, ऐसा सुर लगाएगी कि राय परिवार की ईंट से ईंट कांप जाएगी। और केदार राय का जो इतना ऊंचा सर है ना, वो शर्म से नीचे झुक जाएगा। ये होना तो तय ही है। रॉकी, तुम ये बात कह रहे हो? और दीदी, आप तो केदार राय की सगी बहन हो, हम लोग तो पराए घर से आए हैं, आपको ये कहते हुए शर्म नहीं आई? क्यों क्यों क्यों, उससे शर्मिंदा क्यों होना चाहिए? ठीक ही तो कहा है उसने, वो हर वक्त हम लोगों की बेइज्जती कर रहे हैं, कोई मौका नहीं छोड़ते हमें बेइज्जत करने का। ऊपर वाला है, ऊपर वाला सब देख रहा है, देख लीजिएगा, कर्म का फल जरूर मिलेगा, देख लेना भरी सभा में कैसे केदार राय बेइज्जत होता है। कौन बेइज्जती करेगा? पता चल जाएगा। अब इतनी रात गए, किसका फोन है? मैं दिखता हूँ। अब तुम लोग सब बातें करो, मैं बस अभी आया। हेलो, बड़ी बुआ जी हैं क्या? है, साथी है और रॉकी भी है। यहाँ घर पर तो जैसे सभी घर वालों पर जमुना का रंग चढ़ गया है। जमुना कौन सी साड़ी पहनेगी, उस पर गहने कौन से होंगे, सब बस उसी को लेकर बिल्कुल बावले हो गए हैं। सब अपने सर पर बैठाकर घूम रहे हैं, राज रानी बनाकर भेजेंगे। जाने दीजिए, राज रानी की तरह सजाने दीजिए, जितना दिल चाहे राय परिवार उसको सज धज कर भेजे, पर ये याद रखना कि ये उसका आखिरी श्रृंगार होगा। उस कंपटीशन में जाकर जमुना को ये समझ आ जाएगा कि छोटी आंखों से बड़े सपने नहीं देखने चाहिए। वो ढोल बजाने वाली कभी नहीं जीतेगी, वो छोटे गांव वाली लड़की कभी नहीं जीतेगी। जो लोग खुद को म्यूजिशियन कहते हैं और जो लोग त्योहारों पर दूसरों के घर पर जाकर तक दुमादुम धुन बजाते हैं, वो लोग कभी नहीं जीत सकते। और जीतने की कोशिश की तो मैं किसी भी हाल में उसे जीतने नहीं दूंगी। और इनॉग्रेशन के दिन मैं वहीं रहूंगी। तुम भी रहोगी? तमाशा देखने नहीं आऊंगी? जिस केदार राय ने उस ढोली की बेटी के लिए सब कुछ दांव पर लगा दिया है, वही ढोली की बेटी उसका सर नीचे झुका देगी। इस प्रतियोगिता में मेरा खिलाड़ी है। कौन? पवन ढोली? नहीं। तो फिर कौन? तानिया। एक साइड पर पवन ढोली और दूसरी साइड पे तानिया। उस जमुना का इस कंपटीशन में जीतने का कोई चांस नहीं है। Thank you.
इतने दिनों में केदार राय ने उससे सिर्फ एक ही चीज मांगी है, वो है उसकी जीत। अगर इतनी सी चीज वो मुझे नहीं दे सकी तो मैं ये मान लूंगा कि जमुना केदार राय की बहू बनने लायक नहीं है, क्योंकि कल तुम्हारा इस दुनिया में एक नया जन्म होगा। एक ढोली परिवार की लड़की पर करोड़ों लोगों की नजरें टिकी होंगी, सारी दुनिया की उम्मीद भरी नजरें तुम्हारी ओर देख रही होंगी। उन सब की उम्मीदों को टूटने मत देना, टूटने मत देना उन्हें। अपने अंदर की जीत की भूख को जिंदा रखना। किसी को प्यार करते हैं तो उसकी जीतने की कामना करते हैं, लेकिन मुझे महसूस हो रहा है कि ये जीत आप इसलिए मांग रहे हैं क्योंकि आप किसी से नफरत करते हैं। जमुना, मैंने केवल तुम्हारी जीत चाही है। तुम जीतोगी और जीते बिना इस घर में मत लौटना, इस बात को दिमाग में रखना। पापा आप ऐसे क्या देख रही हो मुझे? कॉफी पियो, नींद टूट जाएगी। लो पकड़ो। लेकिन पापा, आप इतनी रात को मेरे लिए कॉफी बनाने गए ही क्यों? क्या जरूरत थी पापा? डोंट वरी, कॉफी जलाई नहीं है। कॉफी अच्छी बनी है, मैंने पीकर देखी है। हाँ थोड़ी कड़क जरूर है, पर पी लो जिससे नींद भाग जाए, उसके बाद फिर से बजाना शुरू करो। बिना थके बस बजाए जाओ, रुकना मत, आंखों को सोने मत देना, जीतने के सपने को मत सोने देना। याद रखना जमुना, तुम्हें जीतना ही होगा, तुम्हें जीतना होगा जमुना। मेरी एक बात याद रखना, तुम जिस तरह से यहां पर रात भर जग कर ढोल बजा रही हो, ठीक वैसे ही मैं भी अपने कमरे में रात भर जाग कर उसे सुन रहा हूं। तुम्हारे ढोल की आवाज अगर बंद हो गई तो फिर याद रखना कि मैं आ जाऊंगा। पापा आप पता है छोटे मालिक, पापा मेरे लिए कॉफी बनाकर लाए हैं। पापा आप कॉफी बनाकर लाए हैं? हाँ मैंने ही कॉफी बनाई है, क्योंकि तू तो घोड़ा बेचकर खर्रांटे जो ले रहा है। नहीं नहीं पापा, ये बहुत थके हुए हैं, इतने दिनों से ये भी तो मेरे साथ रात भर जाग रहे हैं। जागना तो पड़ेगा ही, बिल्कुल जागना होगा, क्योंकि जमुना के चैंपियन बनने का सपना उस अकेले का नहीं है, संगीत का भी है। इसके अलावा ये जमुना की सासू माँ का भी है और साथ ही विंध्यवासिनी देवी का भी है।